नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। अहम डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज एक रिकॉर्डेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उन्होंने लंदन से आज ब्रॉडकास्ट की गई, तमाम चैनल्स ने ये दिखाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। याद रहे कि इसके साथ ही आज जो इस्लामाबाद में सेंटोरस है, मल्टी स्टोरी शॉपिंग प्लाजा, मेजर प्लाजा है, उधर भी आग लगी। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, गाये बगाहे उस प्लाजा की भी खबरें आ रही थी। अल्लाह का शुक्र के वहाँ किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग को बुझाने की भी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, जहाँ के चार पांच लोग जो लंदन बेस्ड हैं रिपोर्टर्स, उन्होंने जवाब किए, तो उसमें ये कहा जा रहा था, ये मुतवक्के था कि नवाज शरीफ साहब कोई बहुत अहम ऐलान करेंगे। लोग ये समझ रहे थे, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब बताएंगे कि मैं वापस कब लौटूंगा या कुछ और बताएंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी ये जो उनकी ज़ाती तौर पे उनको जो मसाइल का सामना हुआ, जो एक दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने जिक्र किया अपनी बेगम के इंतकाल का, बेगम कुलसुम नवाज साहबा के, और अपनी वालदा के इंतकाल का, और कुछ अपनी निजी बातें भी बताई मरियम नवाज साहबा के हवाले से, उनका जेल में जाना, फिर वालदा का इंतकाल का, जो बहुत ही किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा एक परेशान कौन, और यानी कि आपकी जिंदगी आपको लगता है एक तरीके से खत्म होती है जब आपकी दुनिया में माएँ चली जाती हैं, तो बहरहाल वो सब उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने अपना जो कहना था, उन्होंने कहा कि ये ज्यादती मेरे साथ हुई और मुझसे इंतकाम लिया गया, और इंतकाम मुझसे लेते लेते पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क हो गया, और उन्होंने तमाम तफसील बयान की कि इक्तसादी तौर पर और बैन अवी सतह पर पाकिस्तान एक बड़े अच्छे सफ़र पर जारी था और जारी और सारी था, और फिर बार बार उनको कहा कि हम और मुझसे इंतकाम लिया गया, उसका जिक्र किया उन्होंने। और जो दिलचस्प बात थी आज, उन्होंने बात ये की कि अदलिया के हवाले से कि उन्होंने ज़्यादती की, और इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि जो उन्होंने ज़्यादती की और उन्होंने जो जो बातें कहीं, और इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने नाम नहीं लिया बहरहाल, और ये उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की, उन्होंने कहा मरियम नवाज साहबा की तरफ उन्होंने इशारा किया, बस ये उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस रही है पॉलिटिकल, और ये कि मेरे भाई शहबाज शरीफ ने भी उसको सराहा है, और पार्टी के लोगों ने भी जब उनसे पूछा गया कि आप वापस लौट रहे हैं अगले इलेक्शन में आप मौजूद होंगे, तो उन्होंने कुछ हंसी। नाज़रीन, हमारे साथ सलीम बुखारी साहब हैं, हमारे अपने सलीम बुखारी साहब सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर डिजिटल हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, बड़े बेलाग इनके तबसरे होते हैं, तो पूछते हैं सलीम बुखारी साहब, हाउ डू यू सी दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि ब्रॉडकास्ट की गई? जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, एक तो ये कि बहुत शुक्रिया आपका याद किया आपने प्रोग्राम में अपने, दूसरी बात यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी वो एक तरह का मीडिया एक्शन था, वहां के मकामी रिपोर्टर्स के साथ, और साथ मरियम जो यहां से लाहौर से गई हैं वो उनके साथ बैठी हुई थी। इसको आप ये तो कह सकते हैं कि ये जो वाकयात का सामना उन्हें करना पड़ा, जो जिंदगी में उनके साथ हुआ, उसके हवाले से एक इमोशनल एक्सपोजे था, लेकिन जिस तरह की तवक्कात की जा रही थी कि वो कोई अहम ऐलान करने वाले हैं, और जिसका जिक्र आपने किया भी कि शायद उनकी वापसी के हवाले से वो कोई बात करते, वो उन्होंने नहीं की है। इसके बावजूद भी दो तीन चीज़ें जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि मुझसे इंतकाम लिया गया, लेकिन उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना मुनासिब नहीं समझा कि इंतकाम किसने लिया उनसे, ताहम उन्होंने कुछ मलबा अदालतों के ऊपर डाला है, और ये जिक्र किया है कि जिस तरह मरियम का केस अब ख़त्म हो गया है उसी केस में उन्हें भी सजा हुई हुई है, तो उन्होंने कहा कि आज वही सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह रही है कि जनाब ये उम्र भर की जो नाहली है ये तो ड्रैकोनियन लॉ है, इसका भी तज़किरा किया उन्होंने। तो उनको एक तो बज़ाहर बहुत शदीद शिकायत थी अदलिया से कि उस वक्त की अदलिया ने जिस तरीके से, और ख़ास तौर से उन्होंने नाम लिया चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे साकिब निसार साहब, कि किस तरह वेंजेंस के साथ उन्होंने उनकी हुकूमत को ख़त्म किया, किस तरह उनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से बरतरफ किया गया और बेबुनियाद केसेस के ऊपर, एक तरफ तो यह, दूसरी तरफ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया अपनी बेटी को कि उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में, और बहुत उन्होंने वो वाकयात का तज़किरा भी किया जो जेल में उनकी मौजूदगी में पेश आए थे, और बाद में जिस इस्तकामत के साथ वो खड़ी रही हैं उसको भी बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, और कहा कि पार्टी के अंदर भी इसकी रिकग्निशन है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं या दीगर लीडर हैं, वो सब समझते हैं कि मरियम ने बहुत अहम किरदार जो है वो अदा किया है।
असल बात यह है कि इस वक्त जिस तरह की पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का माहौल हमारे मुल्क में है, इस किस्म की गुफ्तगू को आप, जैसा मैंने कहा, आप इमोशनल एक्सपोजे कह लीजिए इसको, लेकिन ये पॉलिटिकल जिस सिमत में हम जा रहे हैं उसके हवाले से कोई वाज इशारे उन्होंने नहीं किए हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने इलेक्शन की कोई बात नहीं की है कि वो कब होंगे, उन्होंने इसका भी कोई तज़किरा नहीं किया कि अगर मार्च, आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च लेके इमरान खान आएंगे तो वो क्या एडवाइस करेंगे अपनी हुकूमत को, क्योंकि PMLN की हुकूमत में चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे शाहरुख खाकान अब्बासी हों, चाहे कोई भी हो, पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उसकी रजा के। मिसदाक जो है वो जो कुछ भी नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के इशारे और इंदिये देते हैं उसी के ऊपर PMLN जो है वो अमल करती है। और अभी भी जितने बड़े बड़े फैसले जो हमने देखा किए गए हैं उनमें उनकी रजा जो है वो शामिल है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो ये कहूँगा कि मैं थोड़ा सा मायूस हुआ ये देख के कि जितनी पॉलिटिकल सूरत हाल मुल्क में इस वक्त है, प्रवेल कर रही है, उसके हवाले से एक 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी गुफ्तगू उस सिमत में ज़्यादा डायरेक्टेड होनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया, उन्होंने अपनी जौजा का जिक्र किया, उन्होंने अपनी वालदा के साथ अपनी अफिलिएशन और अपनी इमोशनल अटैचमेंट की बात की, लेकिन जो सवाल उठे हुए हैं यहाँ इस वक्त, जो सवाल कन्फ्रंट कर रहे हैं पॉलिटिकल एरिना में, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। और एक दूसरी बात जो कहनी ज़रूरी है वो ये कि जब वो मुआवजना कर रहे थे कि मेरे दौर में जो है वो कीमतों का हाल ये था और डॉलर की कीमत ये थी वगैरह वगैरह, वो कंपैरिजन जो है वो पिछली हुकूमत के साथ है, लेकिन आज जो गवर्नमेंट है जिसके प्राइम मिनिस्टर भी उनके भाई हैं और PMLN के वो प्रेसिडेंट भी हैं, जो आम आदमी है वो पिछले मुआवजने पर नहीं जाएगा, वो तो आज के साथ इसका मुआवजना करेगा। ये बात कही भी जा रही है मुख्तलिफ हलकों में। तो मुझे इस लिहाज से थोड़ी मायूसी ज़रूर है कि मैं समझता था कि वो कुछ बहुत ज़्यादा सियासत के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि नहीं किया उन्होंने। बुखारी साहब, जो यूथ जो है, जो यंग वोटर्स हैं, उनके लिए तो मियां साहब की बातें ना सेंस रेलेवेंट भी नहीं, तो क्या सोचा मियां साहब ने ये आज इतने भारी भरकम एक्सपेक्टेशन के साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रॉडकास्ट करवाई है? मैंने आपसे अर्ज किया पहले भी, नसीम आप भी समझती हैं बहुत अच्छी तरीके से कि उनकी जो, जहां तक उनकी इमोशनल गुफ्तगू का ताल्लुक है, वो उनकी पार्टी के लिए शायद सूदमंद होगी, वो शायद उनके अजीजों के कारब के लिए भी बहुत सूदमंद होगी, लेकिन मुल्क में जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उसके लिए वो बिल्कुल इररेलेवेंट थी। वो अपना पिछला रोना रोते रहे हैं, ठीक है उनके साथ ज्यादती हुई होगी, यकीनी तौर पे हुई है, लेकिन वो इस आज के हालात के साथ रेलेवेंट नहीं है। आज जो इशूज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज इशूज़ ये हैं कि महंगाई क़यामत खेज है, आज के इश्यूज़ ये हैं कि नए आर्मी चीफ ने मुकर्रर का तकर्रर होना है, आज के इश्यूज़ ये हैं कि जो मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन इस वक्त है वो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, आज के जो इश्यूज़ हैं वो ये कि इंटरनेशनल अरीना में हम कहाँ खड़े हैं, जो मुल्क में सैलाब आया है, जो नेशनल डिज़ास्टर हुआ है उसके हवाले से। तो उन्होंने उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू नहीं, मतलब मुनासिब नहीं समझा। मुझे यूँ लगा जैसे घर में बैठे हुए उनकी आपस में कुछ गुफ्तगू हो रही थी, जिसको फिर उन्होंने मुनासिब समझा ये कि इसको एयर भी कर दिया जाए। उसमें एक सियासतदान, एक 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर रहने वाले का अंसुर जो है वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया है। मैं गलती पे हो सकता हूँ, मेरी तजी कर दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरी तवक्कात के मुताबिक ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें इश्यूज़ का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें आज मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये मैं इससे ज़्यादा क्या रिएक्ट करूँ इसके ऊपर। मेरे ख्याल से जो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग हैं वो भी बिल्कुल इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इतने अरसे के बाद जब उन्हें मौका मिला कि वो बराह रास्त कौम से मुखातिब हो सके हैं, तो उनको इससे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बेस्ड गुफ्तगू करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ हिज पर्सनल इमोशंस। उन्होंने रिकॉर्डिंग की होगी जर्नलिस्ट को कुछ को बुला के, और फिर इन्होंने या मरियम साहब ने, किसी ने कहा होगा कि जी बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू है तो चले इसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ये बड़ी इमोशनल होगी। बात ये है कि फिर क्या हम कहें कि मियां नवाज शरीफ साहब, वो जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके साथ तो एंगेजमेंट उनकी रही और उसके नतीजे में अब हम देख रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के, जो आपने कई मरतबा अभी रिपीट कर दिए, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब के पास लगता है कोई जवाब नहीं है, यानी कि कोई उनके पास ऐसी जहन में सोच नहीं है, तो व्हाट डू वी से एट अ टाइम लाइक दिस जब
इतना बड़ा चैलेंज है, यानी लॉन्ग मार्च तो इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों को इस वक्त कोई बताने का कि तसल्ली दें, अगर उनके पास है कुछ कहने के लिए तो ये तो उन्होंने बिल्कुल ही एक रास्ता, मैं तो कहूंगी बड़े अदब के साथ, बड़ा उल्टा रास्ता पकड़ा आज। मैं नसीम आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। देखिए, पंजाब हुकूमत के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता था और उन्हें बहुत कुछ कहना चाहिए था। जो कुछ हुआ है, जितनी पोलराइजेशन के अलावा उलट पुलट हुआ है, कभी उनकी हुकूमत, कभी पीटीआई की हुकूमत, कभी फिर अदालती वजीर आला जनाब परवेज इलाही साहब की हुकूमत, तो फिर हम सुन रहे थे बाजगश थी यहाँ पर कि अब ये एक मरतबा फिर उलट पुलट होने वाला है, तो इसके हवाले से उन्हें बात करनी चाहिए थी। या तो उनका एक डिस्कनेक्ट है जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, अगर उन्होंने जानबूझ के ये किया है कि वो नहीं चाहते कि इश्यूज के ऊपर कोई बराह रास्त बात करें, तो फिर उन्हें कौम से मुखातब होने की जरूरत नहीं थी। ये जो उनकी दर्दनाक कहानी है ये तो हम सब जानते हैं, और मेरे ख्याल से उनके पार्टी के लोग भी जानते हैं कि बहुत ज्यादती हुई। सबको पता है कि साकब निसार साहब उनकी जान को आए हुए थे, उस वक्त के प्रेशर्स थे। अरशद मलिक की कहानी भी सबको याद है, अजबर हो गई हुई है मेरे ख्याल से, हिफ्ज है सबको। तो ये जो एलिमेंट मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से हर जी शऊर आदमी वो ढूंढेगा कि उन्होंने आज ये दिन क्यों चुना था कौम से मुखातब होने का, और क्या वो कहना चाहते थे बुनियादी तौर पर। वो एलिमेंट मुझे मिसिंग लग रहा है, और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत मायूसी हुई है। क्योंकि देखिए, यहाँ से मरियम गई हैं, उन्होंने जाके अपने वालिद को ब्रीफ किया होगा, उन्होंने पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उस पर ब्रीफ किया होगा, उन्होंने इस वक्त जो उनकी और प्राइम मिनिस्टर की रिलेशनशिप है शहबाज शरीफ साहब की, उसके हवाले से कुछ कहा होगा। पंजाब में आने वाले जो वक्त में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, चाहे आम है, चाहे जनरल इलेक्शन है, चाहे बाई इलेक्शंस हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू होगी। वो सारा एलिमेंट ही गायब है उसके अंदर। तो ये तो एक तरह की स्टोरी टेलिंग थी जो 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 ज़्यादातर उनकी फैमिली से रिलेटेड थी, और बाकी जो उनके ऊपर गुजरी वो सारा कुछ तो लोग बार बार सुन चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज किसी के एनीबॉडी हैज़ रेज्ड हिज आईब्रो कि देखें नवाज शरीफ साहब ने क्या कह दिया। मेरा ख्याल है कि आप और हम इस पर इत्तेफाक करते हैं बुखारी साहब, कि ये मुझे लगता है कि ये आफ्टर द इवेंट एक इन्होंने फैसला किया है। मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग करके उसके बाद इनका उनको लगा दिल चाहा, लोगों ने कहा होगा जी बड़ा जबरदस्त मियां साहब है, तुसी सूट दे हो इन द फील्ड, तो ये इसमें पता नहीं बड़े नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बिल्कुल मायूसी की बात यकीनी तौर पर। अच्छा, तो अब जो चैलेंज है उस पर जरा आ जाए बुखारी साहब, के अब ये होने क्या वाला है, क्योंकि मियां साहब की तरफ से तो लगता नहीं कि कोई स्ट्रेटजी आई है। उससे ज्यादा डार साहब इधर बात करते हैं तो लगता है ज्यादा सोच विचार हो रही है, तो अब होने क्या वाले है? आप लाहौर में बैठे हैं नसीम, यहाँ पर पंजाब में सूरत हाल बहुत अजीब और गरीब है। इस हवाले से आपने बिल्कुल सही सिमत में सवाल उठाया है। यहाँ पर एक तो प्राइम जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनकी और जो होम मिनिस्टर उनकी ठनी हुई है आपस में। अच्छा बुखारी साहब, आप अंदाजा कीजिए, एक शख्स कह रहा है मैं तो वो सब कुछ करूंगा जो इमरान खान मुझे कहेंगे, इसका नाम है परवेज इलाही, जो वो कह रहा है कि नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। ये कभी हुआ है आप मुझे बताइए पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह होता है? लेकिन ये इसी सूरत में होता है जब 10 सीटों वाला चीफ मिनिस्टर बन जाए और 160-170 आदमी जो है वो उसके हुक्म के पाबंद हों। और दूसरी बात ये कि असलम इकबाल साहब को बाख्तियार किया जा रहा है ताकि पीटीआई के वो लोग जो है जिनके काम नहीं हो रहे उनके काम भी हों। तो जब इतनी खिचड़ी पकी हुई है तो यहाँ का भी अल्लाह हाफिज है। पंजाब की तरफ मेरे ख्याल से आप ज्यादा तवज्जो ना दें, बहुत परेशानी होगी आपको, हम यहाँ बैठ के बहुत परेशान है इस हवाले से। अब आ जाइए आपके सवाल के दूसरे हिस्से के ऊपर, लॉन्ग मार्च से रिलेटेड है। बुखारी साहब ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सलीम बुखारी साहब है और हम बात कर रहे हैं उनसे कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में, उस हवाले से ये तो बात तय है, बुखारी साहब भी इससे बिल्कुल अग्री करते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, अगर हम कहें वो आउट ऑफ प्लेस, वो डिसअपॉइंटमेंट, और कोई इसमें सोच विचार का अंतर नहीं था। ठीक है, इमोशनल एक जैसे कहते हैं बुखारी साहब, उन्होंने अपना शेयर किया हमारे साथ जो इमोशनली उनका एक्सपीरियंस रहा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस। लेकिन आज के हवाले से बुखारी साहब ये बताइएगा कि पंजाब का तो आपने जिक्र कर दिया, अब सवाल ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की ये जो वीडियोज आई हैं ये सब कुछ आए हैं, और ये आया कि जो उन्होंने 5 सीटों का जिक्र किया, कि जिक्र क्या किया उन्होंने कहा जी वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो गई। लेकिन हम जो देख रहे हैं बुखारी साहब, आप मुझे नहीं मालूम आपका क्या तजुर्बा, हम जो लोगों से बात करते हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं वो टफ से मस्त नहीं हो रहे, तो आपको इन ऑडियो लीक्स का, जबकि एक तब मॉरल सवाल बहुत उठ
देखता है पॉलिटिकल, उसके क्या इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? देखिए सूरतेहाल ये है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो लीगल नहीं है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो विम्स के ऊपर फैसले हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये दोनों अतराफ से जो केसेस बनाने वाली बात है उसके अंदर जब लॉजिक नहीं होगी तो फिर लोग भी उसके ऊपर चेवगोइयाँ करते नज़र आते हैं हमें। जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से अरेस्ट हुई थी रिसेंटली, उसके नतीजे में जो एक पुराना केस निकाला गया है राणा सनाउल्ला के ऊपर, वो भी हमने देख लिया है। राणा सनाउल्ला उनका टारगेट है, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि राणा साहब खुद भी माशाल्लाह अपनी ज़बान में कोई रियायत नहीं बरतते हैं, उनके साथ जो उनके मुंह में आता है वो कह देते हैं, और दूसरी बात ये कि उनको ये समझ है कि ये इस्लामाबाद उनके पहुंचने और वहां पर जाके एक इम्पैक्ट बनाने के रास्ते में एक ही शख्स रुकावट है जिसका नाम है राणा सनाउल्ला, हु हैपन्स टू बी द इंटीरियर मिनिस्टर। यही हमने पिछली दफ़ा भी देखा था अगर आपको याद हो, 25 मई अगर उसमें चीफ जस्टिस साहब यानी जो इस कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट, उसकी हदायत ना आती कि इनके रास्ते खोल दिए जाएं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसे इंतजाम थे कि वो अटक का पुल पार नहीं कर पाते। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। दो नई चीज़ें हुई हैं, एक तो ये कि उन्होंने रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो सपुर्द कर दी है फौज के, और आपको पता है कि फौज जब आर्टिकल 145 के तहत डिप्लॉय होती है तो फिर उसके बाद ये नहीं हो सकता कि कोई लिबर्टी ले जाए उससे, या ये नहीं हो सकता कि आप उनके जो कंटिजेंट्स हैं उनको चीर फाड़ कर कर बीच में से निकल जाएं। ये ना होना चाहिए, ना होता है और ना ही होने दिया जाएगा मेरे ख्याल से। तो रेड जोन तो कर लिया उन्होंने सिक्योर, अब रह गया ये कि उनको कहाँ बैठने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट जो है उनकी जगह तय्यून कर चुकी हैं, हुकूमत जो है वो इस वक्त कह रही है कि आप आके परेड ग्राउंड में अपना शो कर लीजिए जितना भी आपने करना है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि इतनी आसानी से जो कंटिजेंट्स आएंगे यानी जो काफिले आएंगे पीटीआई के, उनको इस्लामाबाद में इस तरह से आराम से दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। आपने देख लिया कि द सिटी इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू सिटी ऑफ कंटेनर्स अगेन। आप जब हम ये बात करते हैं कि जी इस्लामाबाद में 500 कंटेनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पर रख दिए गए, तो आप सोचें कि लोहे की दीवारें जो हैं वो चारों तरफ से यानी एक सीज का मंजरनामा है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके यहाँ रिवाज हो कि आप बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो फिर इन कंटेनर्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप आएँ और फिर शहर को आग लगा दें, फिर दरख्तों को आप जला दें और फिर आप कोशिश करें रेड जोन में, आपको पता है नसीम रेड जोन में जाने की जिद क्यों है? इसलिए कि जो ही आप रेड जोन की बात करते हैं, जो सबसे पहली यहाँ एम्बेसी की बिल्डिंग है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी बिल्डिंग, आई होप यू नो दैट, तो ये इसलिए वहां तो जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वंस दे एंटर इनटू डिप्लोमेटिक एनक्लेव फिर क्या होगा वो फिर किसी के बस में होगा नहीं। ये मंजरनामे हमारे मुल्क में न सही लेकिन हमने दूसरे मुल्कों में देखे और सुने हुए हैं। नसीम आपको पता है मेरे इशारे किस तरफ हैं। दूसरी बात, पंजाब में जो इस वक्त क्वालिटेटिव डिफरेंस है इस वक्त की सूरत हाल में और 25 मई में, वो ये कि पंजाब में हुकूमत जो है वो इस वक्त सो कॉल्ड पीटीआई की है, वैसे तो काफली की है लेकिन बहरहाल हम ज्यूम कर लेते हैं कि ये पीटीआई की हुकूमत है। लेकिन मैं दो बातें जो आपसे अर्ज करूँ, जलसों में जाना और जाके जलसों में जज्बात का मुजाहरा करना ये बिल्कुल एक बात है, कोई शुबा नहीं है इसके अंदर कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब ने सबसे बड़े जलसे किए हैं। इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि उनका क्राउड जो है वो तमाम साबका जलसों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड होता है, लेकिन उनमें जो वर्कर मार खाने वाले होते हैं, जिनको जाके बैठ के फिर वहाँ धरना देना कह लीजिए या जिसको पंजाबी में कहते हैं पीस काटना, यानी जो मुश्किलात का सामना करेंगे, वो क्राउड पीटीआई के उस रेजिमेंट्स में नहीं है जो आपको सरों पर पट्टियां बांधे हुए और हाथों में झंडे लिए हुए दिखाई देती हैं। पिछली मर्तबा जो एक धरना हुआ था जो इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब ने इकट्ठा किया था अगर आपको याद हो 2014 में, तो वहाँ बैठने वाले लोग जो है उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, वो शाम को आते थे तैयार व्यार होके और तराने वराने सुन के नारे वारे लगा के डांस वांस करके वापस चले जाते थे। ये एक खामी रहेगी, ये एक खामी इसलिए है कि वो एलिमेंट वो सेगमेंट अब उनके साथ नहीं है। जो टाइगर्स और टाइग्रेसेस की वो बात करते हैं उन्हें अभी ट्रेन होना है, अभी उन्हें वो चखना है। 25 मई का जो सबक है उसके बाद क्या लोग उतनी तादाद में फिर निकलेंगे जाने के लिए इस्लामाबाद और फेस करेंगे उस किस्म की सूरत हाल को? मेरे ख्याल में इसका इम्कान बहुत कम है। लेकिन अगर एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल होती है तो कोई भी मॉब, चाहे वो जितना भी शरीफ क्यों ना हो, वो प्रवोक होके फिर वायलेंट हो जाता है,
तो मेरे ख्याल से हुकूमत से भी ये तवक्को की जानी चाहिए कि वो होश के नाखन लेगी, सूरत हाल को एग्रावेट करने की बजाय उसको पीसफुली हैंडल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तय है कि अगर ये जत्थे या कह लीजिए या ग्रुप्स कह लीजिए या जुलूस जो जाएंगे, अगर वो वायलेंस का मुजाहरा करेंगे, जिसका कि हम मंजरनामा देख चुके हैं, लाहौर में 2-3 मरतबा ये हुआ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है, इस्लामाबाद में 25 मई के अलावा 2-3 मौकों के ऊपर जो हुआ वो आपके सामने है। तो अब हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं नसीम, यहाँ बैठ के मैं और आप, कि देखिए इंसानी जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये मैं आपको यकीन से बता दूं कि दोनों तरफ में से किसी के कान पर जू नहीं रेंगेगी, सबने वही करना है जो तय करके बैठे। नाज़रीन अहम बातें बुखारी साहब ने उठाई हैं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आप गुफ्तगू को जारी रखते हैं और कुछ इस पर भी बात करेंगे कि आर्मी चीफ की जो कल स्टेटमेंट थी वो किस तरफ इशारा था। स्टे विद अस, वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ यकीनी तौर पे हुकूमत है, उसके पास हिकमत अमली इस वक्त तो यही है कि वो स्टेटमेंट दे रही है और कह रहे हैं हम आर्टिकल 245 मेरे ख्याल है उसका नफाज तो हो गया हुआ है, उसका जिक्र भी हो गया हुआ है। ये याद रहे कि जब फौज को अंदर बुलाएंगे तो हमें लगता है कि आज की बात नहीं, ये कई दिहाइयों की बात है कि फौज की प्रेजेंस अगर बहुत जोर शोर से निकलते हैं, कोई पॉलिटिकल ग्रुप निकलता है, पार्टी निकलती है, जत्थे निकलते हैं, फिर उसके लिए फौज को रोकना आई रिपीट मुमकिन बहुत मुश्किल होता है, मुमकिन शायद नहीं होता। और इस वजह से उसकी वजह यह है कि तारीख में जाए कि याहिया खान ने अयूब खान साहब से पूछा था, हमें उस दिन एक जनरल बता रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हाउ मेनी बॉडीज आर अलाउड टू फॉल, यानी कि कितने लोग मारे जा सकते हैं। और आपको पता है फिर तारीख गवाह है कि भुट्टो साहब के जमाने में जब ब्रिगेडियर्स रिफ्यूज टू फायर, उसके बाद हर दफा यही होता है कि फौज कहती है जी आप जरा कुछ कर लें, बातचीत कर लें, हम कोई कदम नहीं उठा सकते। और समझ भी आती है क्यों, क्योंकि बांग्लादेश हमारे सामने है। तो ये मैं इस तरह सेंसेशनलाइज नहीं कर रही, लेकिन एक हकीकत बयान कर रही हूँ कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस सूरत में बुखारी साहब ने जो फरमाया कि ये पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनकी क्या नौयत है, उनकी सोच क्या है, उनकी पॉलिटिकल अपनी आउटलुक क्या है, उनका जोश और जज्बा और हिम्मत क्या है, और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा क्या है, क्या वो निकल पाएंगे इस सूरत में, जबकि यकीनी तौर पे हुकूमत ये बात अपनी उन्होंने बरकरार रखे है कि हम इस्तेमाल करेंगे यू नो फोर्स जब जरूरत होगी और हम इन्फोर्स करेंगे लो। और डार साहब ने चैनल 24 के इंटरव्यू में ये बड़ी क्लियरली कहा कि नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने तो कहा था कि जब पिछले धरने में कि जी खोल दो रास्ते आने दो, गोलियां शोलियां चलने का सवाल नहीं। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि अगर प्रोविंसेस में ज्यादा गड़बड़ हुई या ज्यादा सेंटर को कोशिश की इन्होंने कि वहां चढ़ दौड़े ऑप्शन है। तो ये बहुत से मामलात हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन बुखारी साहब से तो हम ये सवाल पूछेंगे कि हुकूमत के पास इस वक्त क्या ऑप्शन है। आर्मी चीफ ने यकीनी तौर पे जरूर कहा काकुल में जब उन्होंने एड्रेस किया कि जी किसी को जत्थे को किसी को मुल्क में किसी भी नौयत की जो थ्रेट है जो बीच पे प्लाइज करेगी, और इंटरनल की बात वो कर रहे थे उसकी इजाजत नहीं देंगे, तो अब उसकी इजाजत नहीं देंगे, हाउ डज इट प्ले इट सेल्फ आउट इन रियल टर्म। अगर उधर से हजारों लाखों लोग उमड़ आए और अगर सवाल ये कि आएंगे या नहीं आएंगे, तो बहुत से मामला हैं बुखारी साहब, थोड़ा सा आप इस पर बताइएगा, रोशनी डालें। जी मैं अर्ज करूं आपसे, देखिए नसीम एक बात तो यह है कि हमें कल का आर्मी चीफ का बयान नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने पासिंग आउट परेड के मौके पर दिया है। देखें जो कैपिटल के ऊपर कब्जा करने की ख्वाहिश होती है ना, वो या तो दुश्मन को होती है या फिर वो जिन जत्थों की बात की जाती है। कल उन्होंने इसके बारे में वाज़ह इशारा दे दिया है कि किसी को इजाज़त नहीं देगी, चाहे वो कोई मुल्क हो, ग्रुप हो या जत्थे हों, कि वो आएँ और आके डिस्टेबलाइज करें। कैपिटल पर कब्जा करने का मतलब डिस्टेबलाइज करना ही होता है। हम एक तजर्बा कर चुके हैं कैपिटल के फॉल होने का ढाका के अंदर, अल्लाह ना करे कि हमें कभी दोबारा वो दिन देखना पड़े। सूरत हाल ये है कि ये तो मुझे बिल्कुल डिटर्मिनेशन दिखाई देती है हुकूमत के भी, जो 13 पार्टियों की अलायंस गवर्नमेंट है, और जो
अदारे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो लॉ मेकर्स के लॉ इन्फोर्सर्स जो हैं वो मुझे एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो इतनी फर्जाइल हुकूमत जो है जिसके साथ अदारों के सरबराह आप खड़े हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो कुछ दूसरी तरफ से किया जा रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए आप इमरान खान साहब का रवैया देखिए कि वो कहते हैं कि मैं इन चोरों और डाकुओं से तो बातचीत नहीं करूंगा, तो भाई कहाँ से लाएं आपके लिए इंपोर्ट करके पॉलिटिकल लीडर जो आपके साथ बैठे हैं, भारत से लाएं, इसराइल से लाएं, अमेरिका से लाएं, नेपाल से लाएं, रशिया से लाएं, कहाँ से लाएं? जो भी पॉलिटिकल लीडर आपके आपकी है उसी से आपको बातचीत करनी है, और जो लीडर पॉलिटिकल लीडर ये कहे कि मैंने बातचीत करनी नहीं है तो उसका तो कोई हल मेरे पास तो नहीं है। नसीम अगर आपके पास हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे एनलाइटन कीजिएगा। बातचीत के बगैर किसी पॉलिटिकल मसले का हल जो है वो फिर एक ही तरीके से होता है, और वो हम चूंकि तीन दफ़ा तजर्बा कर चुके हैं, चौथी दफ़ा ना तजर्बा कराएं, इमरान खान से मेरी हाथ बांध के गुजारिश है हालात को उस तरफ ना ले जाएं जहां चौथी मरतबा फिर हमें मेरे अजीज़ हमवतनों सुनना पड़े। और मेरा ये खदशा है नसीम कि तेज़ रफ्तारी के साथ हालात उसी तरफ जा रहे हैं। आप इमरान खान साहब के जो साथी हैं उनकी गुफ्तगू सुन के देख लीजिए, फवाद चौधरी साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या उनका लहजा है, क्या वो बात करते हैं। वो कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस को माफ़ी मांगनी चाहिए उठ के उनसे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बर्बाद कर देना है इमरान खान को। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इमरान खान साहब को बाहर से दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये शेख रशीद साहब हो जाएं, ये फवाद चौधरी साहब हो जाएं, ये शिबली फराज हो जाएं, ये फैसल वाउडा हो जाएं, ये काफ़ी हैं उनकी उनकी पॉलिटिकल तबाही के लिए। ये मैं आपको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब शायद इस नहज को नहीं पहुँचते अगर उनके ये जो हासिया बरदार हैं उनके इर्द गिर्द। मैं तो हेजिटेट नहीं करता हूँ ये कहने से कि दिस इज़ ए विशियस सर्कल जिसने एक अच्छे खासे ढंग के बंदे को इस नहज पर पहुँचा दिया है। ये इस्लामिक टच का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम की जिस तरीके से मिस कोटेशन कर करके उन्होंने अपना खुद हुलिया बिगाड़ लिया हुआ है, ये सब जो है इनके दोस्तों के मशवरे हैं। ये सुबह से शाम तक बैठ के बनी गाला में उन्हें सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह के बाद बस आप ही ताकत हैं, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर ना दुनिया में कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी होगा। ये वजह है कि इमरान खान साहब का अपना रवैया वो हो गया है जिसके लिए वो जाने नहीं जाते हैं। मैं उनको आज का नहीं जानता हूँ, ही नोज मी एंड आई नो हिम फॉर 35 ईयर्स, लेकिन ये एक नया इमरान खान है जो हमारे सामने है जो कहता है मैं बात भी नहीं करूंगा। और हाल ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं दुनिया में किसी के सामने झुकूंगा नहीं, आप चले जाते हैं एक खाली अदालत के डेस्क के पास माफ़ी मांगने के लिए, आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो माजरत करूंगा अगर किसी की दिल शिकनी हुई है। ये जो सारे इतनी वेरिएशन है ना एटीट्यूड में, इस सब के जिम्मेदार जो है वो उनके साथ ही हैं। मैं जी हमें दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी होनी चाहिए कि ये जो मसला है सियासी, जिस चाहे वो अर्ली इलेक्शन है, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, देखिए आप 70 साल की रवायतों को एक शख्स की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील नहीं कर सकते, ये नहीं होता। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपॉइंट होना है इसका एक तरीका कार भी है और एक रवायत भी है फौज की, और फौज अपनी रवायतें और तरीक़ाकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में तय हैं उसको इतनी आसानी से बदलने के लिए खुद भी तैयार नहीं होती है। आप देख लीजिए एक्सटेंशन का 3 साल का मसला आया था तो जब तक लेजिस्लेशन नहीं हुई नहीं हो सका वो। तो मतलब कहने का ये है कि अदारों का एहतराम करते हुए सियासी जमातों को आपस में बैठ के अगर मुज़ाकरात करने को डिनाई करेंगे वो, चाहे वो 13 पार्टी का अलायंस करे या इमरान खान साहब करें, तो तबाही जो है सियासी तौर के ऊपर मुल्क की होनी है। हम तो सिर्फ इनसे इल्तिजा कर सकते हैं कि खुदारा अपने रवैयों में थोड़ी सी नरमी पैदा करें। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जो गुफ्तगू से हल नहीं हो सकता। देखिए जो ये जत्थों शत्तों वाली बात है ना, ये एक्सपीरियंस बहुत दफ़ा पहले हो चुके हुए हैं। आपने जो भुट्टो साहब का जिक्र किया, मैं उसके हवाले से एक बात मुझे अर्ज़ कर दीजिए कि ये हम तारीख के स्टूडेंट्स के तौर पर अगर इसको देखें तो उस वक्त भी 13-14 पार्टियों की अलायंस थी जिनको 9 सितारे कहा जाता था, अगर आपको याद हो। वो कंपेन भी हमें सारी याद है, हमें लाहौर के वाकयात भी सारे याद हैं, लेकिन फिर उसके नतीजे में क्या हुआ था वो आप देख ले। मैं चाहता हूँ ये बावर कराया जाए। बिल्कुल इट्स अबाउट टाइम के इस पे सीरियस सुविचार दोनों तरफ से हो। बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजीन ये बात बड़ी क्लियर है कि ये इस वक्त एक हेड ऑन कोलिजन की तरफ बात
बढ़ रही है, और ये भी मेरा ख्याल है कहना दुरुस्त होगा कि इमरान खान साहब अपनी एक तरफ जारहाना बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आर्मी चीफ से दो मुलाकातें की, और तीसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जी अच्छा अगर इलेक्शन की बात करने के लिए आप तैयार हैं तो फिर मैं बैठ के बात भी करने को तैयार हूँ। और यानी कि पहली दफा उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन की बात करेंगे, जल्दी की तो हम आपसे बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है इस बात पे अटल दिखाई देती है कि अर्ली इलेक्शंस का कोई सवाल नहीं पैदा होता, किसी तरफ से हम जहां बात करें हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि अर्ली इलेक्शन का कोई सवाल नहीं, तो ये सवाल नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, अब वो जाहिर है वॉर ऑफ नर्व भी है कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे जी मैं तारीख दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मेरा ख्याल है उनका ख्याल ये है कि इसके नतीजे में जो हुकूमत है वो रिव्यू करेगी। और जहां तक फौज का ताल्लुक है नाजरीन, लेट मी से दिस कि फौज जो है एक पॉलिटिकल जो मामलात हैं इस वक्त तो उनको किस तरीके से संभाल पाएगी ये हमारे बिल्कुल नहीं हमें समझ आती, क्योंकि चीजें दोनों तरफ से काफी पेचीदगी का शिकार है। और क्या इस तरह की पेचीदगी के नतीजे में कोई आप फाइनली कोई जो हम चाहेंगे कि कभी यह पाकिस्तान को सुनना ना पड़े, क्या कोई मार्शल लॉ की तरफ बात जा सकती है? अगर यही सूरत हाल रही तो मार्शल लॉ की तरफ जा सकती है, क्योंकि फौज रोक नहीं सकती अगर पीटीआई के लोग हजारों हजारों की तादाद में आना शुरू हुए, और हुकूमत जो भी कह रही है यकीनी तौर पे सख्ती करेगी लेकिन गोली नहीं चलाएगी। तो जो सुलझी हुई बात है, समझी हुई बात है, वो तो ये है कि हुकूमत और पीटीआई बात करने का सोचे, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है टू अवॉइड डिजास्टर। मैं तो इतना ही, खुदा हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।